नो दैट के बेटा ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर एट नाइंटी डिग्रीज टू रीच अदर ठीक है एग्जामिनर को यह मार्क करने की जरूरत नहीं है इट इज अंडरस्टूड आर एट नाइंटी डिग्रीज ठीक एंड ऑल साइड आर इक्वल राइट सो एक साइड को ले आप लेंथ आप ले लो और एक साइड को आप विर्थ ले लो इन स्क्वेयर लेंथ एंड विथ आर इक्वल राइट बट जस्ट फॉर यू नो अंडरस्टैंडिंग में आगे हम रेक्टैंगल में भी यूज करेंगे

जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बट इन अ स्क्वायर वी नो दैट बोथ द लेंथ्स आर इक्वल ऑल द साइड्स आर इक्वल सो लेंथ भी वही है विथ्थ भी वही है राइट बट एनी आप इसको साइड इन टू साइड कह लो परफेक्टली फाइन यू कैन कॉल इट एज लेंथ इन टू वे बट जो ये स्पेशल शेप है स्क्वायर इसमें बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इज इक्वल टू विथ लेंथ इज इक्वल टू विथ बिकॉज ये सारी लेंथ इसमें इक्वल होती हैं क्लैरिटी बेटा चलो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो हमने स्क्वायर के एरिया के डिस्कस कर ली राइट right? हमने सिर्फ एरियाज डिस्कस करने ओके सेकंड शेप बेटा डिस्कस करते हैं अ uh, चलो रेक्टेंगल डिस्कस कर लेते हैं रेक्टेंगल ठीक हो गए बेटा अच्छा अब जरा मुझे रेक्टेंगल का बताओ रेक्टेंगल अगेन वही वन लेंथ इज longer than the other लेट्स दिस इज योर लेंथ दिस इज योर विड्थ ठीक है इस केस में लेंथ इज longer than द विड्थ हो सकता है ऐसा रेक्टेंगल आ जाए जिसमें विड्थ लॉन्गर है देन द देन द लेंथ एनीवे सो बेटा अगेन ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्रीज ठीक हो गया ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्रीज ठीक तो रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है ए स्टैंड्स फॉर एरिया बेटा लेंथ इनटू विड्थ वेरी सिमिलर टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बस स्क्वायर के अंदर जो बेटा हमने कंडीशन डिस्कस किया है कि लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल ठीक है इसमें लेंथ एंड वर्थ आर डिफरेंट इन अ रेक्टेंगल दैट इज वाई इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन दैट स्क्र इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज स्क् रेक्टेंगल दे आर ऑलमोस्ट द सेम सिर्फ दो स्पेशल रेक्टेंगल्स जिसमें लेंथ एंड वर्थ बिकम इक्वल बेटा दे आर कॉल्ड स्क्वेयर ठीक है स्क्वेयर की सारी साइड इक्वल होती है सो एरिया इज एग्जैक्टली द सेम जो कि स्क्वायर का होता है आप इसको लेंथ इन टू कह लो साइड इंटू साइड बिकॉज द आर इक्वल सो इसको साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर के एरिया को तो रेक्टेंगल के एरिया बेटा क्या हो जाएगा लेंथ क्लैरिटी ठीक है चलो थर्ड हम बेटा डिस्कस कर लेते हैं शेप दैट इज अ ट्रिपीजियम ठीक हो गया ट्रिपीजियम अच्छा बेटा ट्रिपीजियम अगेन अ वेरी कॉमन शेप दैट कम्स इन एग्जाम इसका एरिया बड़ा डिस्कस होता है बेटा ट्रिपीजियम इसको नॉर्मली हम एक हॉर्जोंटल ट्रिपीजियम भी कह सकते हैं इन विच टू साइड आर पैरल इसके अदर ठीक है टू लेंथ्स आर इस केस में ये हॉरिजॉन्टल साइड्स इक्वल हैं। लेट्स से इस लेंथ को हम ए कह देते हैं और बेटा इस लेंथ को हम बी कह देते हैं जो पैरेलल लेंथ है राइट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बेटा हम हाइट कहते हैं ठीक हो गया क्लैरिटी Uh, बेटा कुछ बुक्स में ऐसे वर्टिकल ट्रिपीजियम भी आ जाता है राइट सो अगेन ये पैरल साइड्स लेट से आप इसको एक्स कह लो इस लेंथ को आप वाई कह लो बेटा राइट right? और अगेन हाइट क्या होगी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड ये इसकी हाइट होगी राइट right, बेटा सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम वॉट इज द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम हाँ जी बेटा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ समल साइड्स तो सम मीन एड करना सम ऑफ पैरल साइड एक साइड बेटा इसकी ए है और दूसरी पैरल साइड बेटा इसकी है बी राइट सम ऑफ पैरल साइड इन टू हाइट हाइट इज वॉट दर्पेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड बेटा ये इसकी हाइट होगी क्लैरिटी और अगर ये वर्टिकल ट्रिपीजियम है राइट right? सो so ये इसकी हाइट होगी अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड्स ठीक है ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का राइट right? और अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है अगेन वही फॉर्मूला आप लॉग इन कर दें एरिया बेटा क्या हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरल साइड्स तो आर द टू पैरल साइड्स एक्स प्लस वाई और बेटा हाइट विच इज द अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड्स

पैरल साइड्स बस पता होनी चाहिए ये एरोज बेटा पैरल साइड्स को डिफाइन uh, करते हैं ठीक है सिंपल है पैरल लेंस का ठीक है दैट मीन्स ये दोनों हॉर्जोंटल uh, जो लाइन्स हैं दे आर पैरल साइड्स दे आर पैरल इस केस में जो दोनों वर्टिकल आपके पास लाइन्स हैं दे आर पैरल सो ये सिंबल है एरोज पैरल लाइन्स का ठीक है जैसे इफ इफ दीज टू लाइन्स आर पैरल राइट सो ये सिंबल होगा पैरल लाइंस का दिस शोज के दीज टू लाइंस आर पैरल टू इच अदर क्लैरिटी बेटा अच्छा जी ट्रिपीजियम हो गया लेट्स मूव फॉरवर्ड अगली बेटा फिगर कर लेते हैं दैट इज काइट, वेरी कॉमन फिगर दैट कम्स इन एग्जाम अगेन हम सिर्फ एरिया डिस्कस कर रहे हैं ठीक है बेटा तो काइट बेटा क्या होती है काइट इज अ फिगर ठीक इन विच स्मॉलर टू लेंथ आर इक्वल इन लेंथ ये दोनों इक्वल होती हैं और बेटा देन यू हैव लेट्स से द लॉन्गर लेंथ ठीक ये आपस में दे आर इक्वल इन लेंथ ठीक है ये इक्वल होंगी और ये दोनों लेंथ दे आर इक्वल इन लेंथ ठीक ये ये दिस इज द फिगर दैट कम्स इन इसको हम काइट कहते हैं ठीक है अब बेटा इसके दो डायग्नल होते हैं वन इज द शॉर्टर डायग्नल लेट्स से इसको हम ए कह देते हैं एंड वन इज दिस लॉन्गर डायग्नल ये जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं ठीक है वन इज दिस लॉन्गर डायगनल ठीक सॉरी वो अरेज हो गया वन वॉज दिस शॉर्टर डायग्नल एंड वन इज दिस लॉन्गर डायग्नल ठीक शॉर्टर डायग्नल की लेंथ ए है लॉन्गर डायग्नल की बेटा लेंथ से हम कह देते हैं बी है राइट ये आपकी लॉन्गर डायग्नल की लेंथ तो बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ अ काइट ए स्टैंड फॉर एरिया बेटा इसका फॉर्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ द टू डायग्नल ए मल्टीप्लाई बाय बी ठीक है मैं इसको बेशक आप उसमें भी लिख लो हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट राइट right, बेटा प्रोडक्ट ऑफ डायग्नल ठीक है बेटा और डायगनल क्या होता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑपोजिट एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो दैट लाइन इज कॉल्ड द डायग्नल ठीक है वन वर्टिक्स वन वर्टिक्स ऑफ अ फिगर टू द अदर वर्टिक्स ऑपोजिट वर्टिक्स ऑफ द फिगर ऑपोजिट वर्टिक्स अगर आप बेटा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो उसको हम डायग्नल कहते हैं राइट right? ठीक बेटा सिंपल फॉर्मूला इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बेटा एरिया ऑफ अ काइट आपने याद रखना है हाफ ठीक है एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगनल्स अगर आपको डायगनल्स की लेंथ किवन है तो ए मल्टीप्लाई बाय बी शॉर्टर डायगनल मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द बिगर डायगनल द लार्जर डायंगल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट द एरिया ऑफ अ काइट आई होप दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल बेटा पैलोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं अगेन वेरी कॉमन फिगर जो एग्जाम्स में आता है जिसका एरिया ठीक है पैरालेलोग्राम अच्छा बेटा पैलोग्राम क्या होती है इन विच बोथ ऑपोजिट साइड्स दे आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर इक्वल इन लेंथ भी होगी पैरेलल टू ईच अदर लेट से दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड आल्सो इक्वल इन लेंथ अगर ये ए है तो ये भी ए होगी राइट बेटा लेट से ये बेस है आपके पास इसको हम बी कह देते हैं तो दिस इज पैरल टू द अदर साइड एज वेल और इक्वल इन इक्वलो अगर ये बी है तो ये भी बी होगी राइट सो इन अ पैलोग्राम यू डोंट नीड टू राइट द ऑपोजिट लेंस इट इज अंडरस्टूड ठीक है बस एक अगर आपको लेंथ के बन है इट्स मोर देन इनफ ये लिखने इट्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू मैंशन द अदर लेंस एज वेल ठीक है ये बेटा पैलोग्राम होता है ठीक ऑपोजिट साइड आर पैरल एंड इक्वल इन लेंथ ठीक है ये ऑपोजिट साइड आर पैरल एंड इक्वल इन लेंथ क्लैरिटी बेटा ठीक हो गया यह मैं अंदर वाली जरा ड्रॉइंग रेस कर देता हूं बिकॉज वी नीड दिस चलो so, यह बेटा आपके पास आ गया दिस इज दैलोग्राम ठीक हो गया ओके okay. पैलोग्राम का एरिया क्या होता है बेटा एरिया ऑफ अ पैलोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ठीक हो गया सो so, अब इस केस में वॉट इज द हाइट बेस तो चलो वी वी नो के बी इज द बेस ठीक है आप कोई भी साइड बेस ले लो लेट्स से दिस इज योर बेस ठीक है ये हम बेस ले लेते हैं नाउ वॉट इज द हाइट हाइट बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइस वर्टिक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द अदर साइड तो अगर बेस ले रहे हैं तो ये हाइट इस वर्टिक से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन द बेस ये बेटा आपके पास हाइट आएगी राइट ठीक हो गया क्लैरिटी ये आपके पास हाइट आएगी अच्छा अब होता क्या है समटाइम्स दिस हाइट इज नॉट गिवन ठीक अब बेटा हमने trigonometry में, हमने में right में को बड़ा डिटेल डिस्कस किया मैं जरा क्विकली उसको एक ब्रीफली uh, डिस्कस कर लेता हूं लेट्स से राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक? So बेटा हमने कुछ रेशोज लिखे थे जरा मुझे वो रेशोज लिखवाओ साइन थीटा लेट्स ये एंगल आपको गिवन है ट्राइंगल में तो साइन ऑफ दिस एंगल ये रेशो है टू लेंस का किस किस का मैंने आपको कहा था पहले साइड मार्क किया करो एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाईपोटन और बेटा जो साइड बच गई दैट इज योर बेस राइट सो साइन थीटा किसका बेटा रेशो है दैट इज ऑपोजिट ओवर हाईपोटन्यूस राइट ठीक हो गया अच्छा सिमिलरली हम यहां पर लिख लेते हैं कॉस थीटा ज थीटा किसका रेशो है दैट इज बेस ओवर हाईपोट राइट चलो एक दफा आपका रिकॉप हो जाएगा बेटा वट इज टैन थीटा टैन थीटा क्या है ऑपोजिट ओवर बेस आई होप दिस इज एप्सोल्यूटली क्लियर ये ऑलरेडी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं राइट right, बेटा चलो अब वापस पैलोग्राम पे आ जाओ आई वॉज डिस्कसिंग कि बेटा समटाइम्स होता यह कि हाइट नहीं गिवन होती ठीक है सो so, आपको ये एंगल गिवन होता है ये वाला एंगल गिवन होता है ये थीटा इसको हम थीटा लिख लेते हैं ठीक है <laughs> तो बेटा अब हमने हाइट को इन्वॉल्व करना है सम बिकॉज आपके पास लेट से आपके पास ये पूरी साइड तो है ना यू हैव वन साइड राइट सो इसको हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं आपके पास बेटा देखो ये इस ये इधर साइड भी 90 डिग्रीज होगा राइट right? अगर उधर वाली साइड नाइनटी तो ये साइड भी 90 होगा तो यू कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ठीक तो अब मुझे बताओ आपके पास क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जरा हम लेबल कर लेते हैं ये साइड क्या हाइपोटन और एंगल के सामने वाली साइड जो है ये एच आपके पास है ऑपोजिट राइट सो ऑपोजिट और हाइपोटन्यूस कौन सा आप इसमें यूज करेंगे साइन ठीक है सो so, मैं यहां पर लिख देता हूं तो साइन ऑफ थीटा इज ऑपोजिट विच इज हाइट ठीक है ये बेटा मैंने 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 करके को में लिख लिया तो आपको एंगल गिवन है तो हाइट बेटा हो गया ए उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइट आपके पास क्या होगी ए इंटू साइन थीटा ये बेटा हाइट का एक्सप्रेशन आएगा यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ऑलरेडी हमने टिग्नोमेट्री में बड़ा डिटेल में बेटा हमने डिस्कस कर लिया बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा गो एंड वॉच दैट वीडियो जिसमें हमने बड़ा डिटेल में ये राइट एंगल ट्राइंगल्स को डिस्कस किया right हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स ठीक है क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हर जगह ऑलमोस्ट यूज होती हैं क्लैरिटी तो बेटा हाइट को हमने इन टर्म्स ऑफ योर हाईपोटन्यूज राइट इन टर्म्स ऑफ योर बेटा हाइपोटन्यूस एंड एंगल हमने इसको मैंशन कर दिया राइट right? तो यही जो एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था इसमें आप प्लग इन कर सकते हैं मैं यहां आप दोबारा एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं ठीक है बेटा एरिया का फॉर्मूला था बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट क्योंकि ये बड़ा कॉमन पैरलोग्राम का क्वेश्चन आ जाता है एंड आई डोंट नो स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड और ये बड़ी सिंपल सी एक दो चीजें बेटा अगर आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो देन इज एब्सोल्युटली नो देगविटी कोई कंफ्यूजन नहीं होती ठीक चलो तो, बेस तो हमारे पास बी है ठीक है बेस इज बी बट व्हाट अबाउट द हाइट अगर आपको डायरेक्ट हाइट नहीं गिवन आपको गिवन है और आपको एंगल गिवन है जैसे हमने डिस्कस किया तो इसकी जगह हाइट की जगह बेटा ये प्लग इन कर दो ठीक है ए साइन थीटा ए मल्टीप्लाई बस साइन थीटा राइट और वी नो दैट व्हाट इज ए ए आपके पास जो दूसरी पैरल साइड है विच इज करंटली दाइपोटन्यूस ठीक है और एंगल ऑब्वियसली आपके पास ये जो बेस और हाइपोर्टन्यूस के बीच में एंगल बन रहा है ठीक अगर आप ये स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो ए विल बिकम द हाईपोर्टन्यूस क्लैरिटी तो ये बेटा आप इसको यूज करते हैं uh, फॉर्मुले में ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दैट बेसिक फॉर्मूला तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का यही है बेस इन टू हाइट ठीक है इसमें हाफ नहीं आता बेटा रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स दे मेक वेरी सिली मिस्टेक्स जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने दिस्क, अभी डिस्कस खैर वो करने uh, लेकिन हमने ऊपर एक दो फॉर्मूलाज डिस्कस किए जैसे एरिया ऑफ काइट के अंदर हाफ आता है राइट right, बेटा एरिया ऑफ प्रपीजियम के अंदर हाफ आता है सो दे नॉर्मली मेक्स इट वो एरिया ऑफ पैरोग्राम के अंदर भी वो हाफ लिख देते हैं प्लीज रिमेंबर दैट इसमें हाफ नहीं आता ठीक हो गया ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बेटा हमने डिस्कशन कर लिया है एरिया ऑफ ए पैरलोग्राम की राइट अच्छा आगे चलते हैं uh, so फिफ्थ फिगर डिस्कस की एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कर लेते हैं बेटा, ट्राइंगल को भी डिस्कस कर लेते हैं फिगर्स right? जो आप अगेन ग्रेट टू थ्री फोर ऑनवर्ड हम इसको इन अ वे डिस्कस करते आ रहे हैं ठीक है चलो राइट right एंगल बेटा अगर कोई भी ट्राइंगल आ जाए ठीक आपके पास बेस केवन है अगेन हाइस्ट वर्टिक्स से आपका परपेंडिकुलर गिवन है ऑन द बेस आपको हाइट गिवन है ठीक है सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बिकॉज हम अभी सिर्फ एरिया करें दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट राइट बेस इनटू हाइट बेस और हाइट दे शुड बी एट 90 डिग्रीज टू इच अदर तभी वो हाइट होगी राइट हाफ बेस इंटू हाइट ठीक अच्छा बेटा अगर इफ इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट इफ इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल से आपको ये लेंथ ए गिवन है यह लेंथ बी गिवन है और लेट से ये एंगल थीटा गिवन है राइट right? तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है सो इन दिस केस एरिया क्या हो जाएगा हाफ ठीक है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द टू लेंथस जिसके दरम्यान में एंगल है जिसमें इंक्लूडेड एंगल है प्लीज रिमेंबर दैट ठीक है आपने उन दोनों लेंस को मल्टीप्लाई करना है जिसमें इंक्लूडेड एंगल है या यूं कह लो जो एंगल गिवन है उसके साथ अटैच साइड होनी चाहिए यह ना हो कि एंगल बेटा आप ये ले रहे हो और साइड इसके ऑपोजिट ले रहे हो दिस वुड बी रॉन्ग ठीक है ये फिर फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा दिस इज द ओनली कॉशन इन दिस ठीक है सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल सो हाफ ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स सो ए मल्टीप्लाई बाय बी हाफ ए बी साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू लेंस ठीक हो गया ये yes, मैं इधर लिख देता हूं साइन ये थीटा क्या होगा इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी इन दोनों लेंस के अंदर ये इंक्लूडेड एंगल होगा थीटा राइट ऑपोजिट एंगल नहीं ले सकते ठीक है या ऑपोजिट लेंथ नहीं ले सकते आप जो भी दो साइड्स लोगे इट हैज टू बी द इंक्लूडेड एंगल ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्राइंगल आप ले रहे हैं लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी ये एंगल होना चाहिए थीटा राइट right? अगर लेट्स फॉर एग्जाम्पल आप बेटा ये ट्राएंगल ले रहे हैं ठीक है अगर ये ए ये बी ये दो साइड्स ले रहे हैं यू शुड बी गिवन दिस एंगल आप ये वाला एंगल यूज करेंगे राइट इंक्लूडेड एंगल होता है ठीक है इंक्लूडेड एंगल होता है ये थीटा प्लीज रिमेंबर दैट ठीक है ये मैंने बड़ी इस पर डिटेल आपसे डिस्कशन कर ली इंक्लूडेड एंगल क्लैरिटी बेटा चलो सो so, ये बेटा ट्राइंगल के दो फॉर्मूलाज हैं uh, अगर तू राइट एंगल ट्रायंगल आपको हाइट के बने हाफ बेस इनटू हाइट अगर बेटा एंगल और दो अटैच साइड्स के बने तो बेटा दैट इज हाफ दोबारा लिख लेते हैं सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट हाफ ए इंटू बी साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीस टू साइड साइन थीटा वो थीटा में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए दिस इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन ए एंड बी आई होप दिस इज़ प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है।, है चलो अब जरा हम लेट्स इसके नॉर्मल जर्नल क्वेश्चन के आते हैं ठीक है चलो लेट्स टेक दिस फिगर जरा मुझे बताना आपने uh, इसका एरिया क्या होगा ठीक लेट्स आपको ये एक शेप गिवन है राइट right? लेंथस uh, में लिख देता हूं लेट्स एज दिस इज फाइव सेंटीमीटर्स दिस इज फोर सेंटीमीटर्स दिस इज सेवन सेंटीमीटर्स एंड दिस इज फोर सेंटीमीटर्स चलो पहले तो मुझे बताओ जो हमने सारी शेप्स डिस्कस किए हैं वॉट इज दिस शेप इन विच टू साइड आर पैरल हाँ जी ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट और आपने बेटा इन सबका एरिया कैलकुलेट करना है ठीक है वी हैव टू फाइंड द एरिया हम यहां लिख लेते हैं फाइंड द एरिया ठीक हो गया वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द शेप जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे चलो सो इज इज दिस शेप ये बेटा क्या बन रही फर्स्ट थिंग आपने आइडेंटिफाई करनी है ये कौन सी शेप बन रही है चलो इज एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम पहले हम फॉर्मूला जरूर लिखें बेटा ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ताकि एग्जामिनर को यू टेल द एग्जामिनर कि ओके जी दिस इज द फॉर्मूला और ये मैंने इसमें वैल्यूज प्लग इन किए ठीक है इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूला वो फिर यू you नो know, एक एक वैक्यूम में चीज चली जाती है कि अच्छा जी पता नहीं वैल्यूज हम कहां प्लग इन कर रहे हैं इट डज नॉट मेक एनी सेंस मैथ्स के अंदर बेटा वट एवर टॉपिक यूर डूइंग कोई अगर फॉर्मूला इन्वॉल्व है प्लीज राइट द फॉर्मूला ठीक है देन यू प्लग इन द वैल्यूज चलो सो वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रिपीजियम राइट हाफ सम समल साइड इन टू हाइट वेरी सिंपल एक एक लाइन के बेटा क्वेश्चन है और आंसर्स हैं चलो हाफ सम ऑफ समल साइड बताओ कौन सी दो पैरल साइड है फोर एंड सेवन ऑब्वियसली ये पैरल का साइन हमें नजर आ रहा है सो फोर प्लस सेवन और हाइट अब देखो बेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है इट इज अंडरस्टूड के पैरल लाइन के बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑब्वियसली 90 डिग्रीज ठीक है सो so, एग्जामिनर को 90 मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है इट इज अंडरस्टूड राइट तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज फोर सो हाइट इज वॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल साइड ये हाइट होगी सो हाइट बेटा फोर है चलो अब बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड है आ, ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं टू इज द कॉमन डिनोमिनेटर टू टन इज टू ये मल्टीपल है एंड टू इज फोर ठीक है सेवन प्लस फोर ब्रैकेट में इलेवन आ गया बाईट मल्टीप्लाई बाय टू सो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा आ गया एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम टू मार्क्स का होगा एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट और बेटा यू गॉट दिस टू मार्क्स क्लैरिटी चलो अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू चलो ये जरा आपने मुझे बताना है लेट uh, से एक डिफरेंट शेप कर लेते हैं चलो ऑब्वियसली दिस इज अ अकाइट ये दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है ठीक हो गया जो इसका बेटा लॉन्गर डायग्नल है हमें वो गिवन है लेट्स से ये हम ले लेते हैं राइट right? बेटा जो लॉन्गर डायगनल है दैट इज सिक्स सेंटीमीटर्स ठीक और बेटा जो शॉर्टर डायगनल है दैट इज थ्री सेंटीमीटर्स ठीक है ये लेंथ है थ्री सेंटीमीटर्स राइट क्लैरिटी बेटा ठीक हो गया चलो वॉट इज द एरिया ऑफ काइट हां जी एरिया ऑफ काइट क्या होता है बताओ ये बेटा फॉर्मूला सब आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए राइट रिवाइज करते रहो बेटा क्या फॉर्मूला था हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगनल ए इंटू बी राइट प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डाय हाफ वन डायग्नल इज सिक्स द अदर डायगनल इज थ्री सिंपल इज दलो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू इज द कॉमन डिनोमिनेटेड चलो आगे सिंप्लीफाई कर लो टू टाइम वन इज टू और यह बेटा आपके पास आ गया टू टाइम नाइन इज एटीन नाइन ओवर वन इज नाइन नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर यह बेटा आ गया इसका एरिया ऑफ द स्काइट

उसको हमने आइडेंटिफाई करना है ठीक है सो बेटा आई कैन सी ये जो लोअर फिगर है ठीक है इसको मैं शेड कर देता हूं दिस इज रेक्टेंगल ठीक और ये जो अपर फिगर है ठीक है इसको हम लाइट से से शेड कर लेते हैं बेटा दिस इज अ ट्रिपीजियम ठीक हो गया दिस इज अ ट्रिपीजियम इसमें कोई डाउट सो अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रिपीजियम आर ज्वाइंट टूगेदर टू मेक दिस फिगर ठीक है तो बेटा एरिया भी जाहिर है अब बिकॉज दिस इज नॉट वन फिगर वन शेप तो नहीं है कि हम कोई इसका एक एरिया का फॉर्मूला है वी प्लग इन दैट फार्मूला और आंसर आ जाएंगे नहीं बेटा रिमेंबर दैट अगर इफ देर आर टू डिफरेंट शेप्स ज्वाइन टूगेदर उसके दो डिफरेंट एरियाज हम कैलकुलेट करेंगे फॉर एवरी शेप देर इज अ फॉर्मूला और देन वील एड दो ठीक हो गया बेटा हम उसको स्प्लिट करके फाइंड करेंगे चलो सो so पहले हम फाइंड कर लेते हैं वी जस्ट राइट दिस एरिया ऑफ रिक्टल ठीक है मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एरिया ऑफ रिक्टल प्लस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम राइट बेटा ठीक हो गया क्लैरिटी सबको चलो एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या आ जाएगा बोलो जरा सारे सो so, ये जो लोअर ग्रीन से मैंने शेड किया है रिक्टेंगल की एरिया क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव वंस यू अंडरस्टूड द फिगर आगे फिर बेटा बड़ा इजी हो जाता है इट्स वन प्लस वन चलो एरिया ऑफ रिक्टल प्लस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम हाफ सम ऑफ पैरल साइड बेटा अगर यह साइड फाइव है तो ऑब्वियसली ये जो डॉटेड साइड है यह भी क्या होगी फाइव बिकॉज ये रिक्टेंगल की दो लेंथ है रिक्टेंगल की ऑपोजिट लेंस क्या होती है सेम राइट सो जरूरी नहीं कि वहां मैं डॉटेड लेंथ भी क्या होगी फाइव सो हाफ सम्री अदर साइड इज फाइव चलो थ्री प्लस फाइव ठीक है अब ट्रिपीजियम जो मैंने व्हाइट से शेड किए अब सिर्फ इस पर फोकस करना है और अब मुझे ये बताओ इसकी हाइट क्या होगी वट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रिपीजम हम इस ट्रिपीजम की हाइट क्या लेंगे ये मुझे बताओ जरा हाउ डू यू फाइंड दिस हाइट अब बड़े देखो टोटल हाइट ऑफ दिस फिगर कितनी है सेवन इसमें से जो लेंथ है रेक्टांगल की दैट इज थ्री तो थ्री माइनस कर दो तो सेवन में से यू लेफ्ट विद फोर तो हाइट ऑफ दिस ट्रिपीजम इज वॉट फोर ठीक है फिगर ऑबली टू टू द स्केल नहीं बनी हुई नहीं बनी हुई सो so वो शायद आपको लग रहा है बट एनी फिगर इज देयर मेजरमेंट्स आर देयर ये हमें हमने खुद से देखना है कि उसकी हाइट क्या होगी आपको सारी इंफॉर्मेशन बने राइट बेटा अब थोड़ा सा आई क्यू लेवल आपने यूज करना है दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन मैं वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चलो बेटा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं फाइव टूट थ्री फिफ्टीन प्लस ये आप बेटा इस अगेन एरिया ऑफ टूपीजम को सेपरेट रखना uh, है टू कॉमन डिनोमिनेटर है फोर मल्टीपल है कॉमन टू टू इज फोर चलो ब्रैकेट में क्या आ गया फाइव प्लस इज वॉट एट मल्टीप्लाई टू ठीक हो गया चलो तो क्या आ जाएगा फिफ्टीन प्लस एट इन टू इज सिक्सटीन राइट बेटा तो फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया थर्टी वन थर्टी वन सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा आपके पास आ गया एरिया ऑफ दिस फिगर आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली क्लियर ओके बेटा एक जरा और फिगर करते हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग वन ठीक क्लैरिटी सो व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द शेडेड एरिया ठीक फाइंड सॉरी फाइंड बेटा इट सेस फाइंड द शेडेड एरिया ठीक और बेटा जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ये लेंथ आपको बेटा फोर सेंटीमीटर्स गिवन है राइट right? और ये लेंथ आपको नाइन सेंटीमीटर्स के बना राइट अगेन अब बेटा ये वी कैन सी के एक बिगर फिगर इज द और उसमें काइट को उसने फिक्स किया हुआ राइट द काइट इज इन इन द रेक्टेंगल ठीक और ये जो शेडेड एरिया है अब सिर्फ आपने ही देखना अगेन इट्स मोर ऑफ एन आई क्यू क्वेश्चन कि शेडेड एरिया कैसे हम अचीव करेंगे तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द काट राइट बेटा तो अगर आप काइट को माइनस कर दो एरिया ऑफ रेक्टांगल में से तो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा वो वो है यह जो मैंने बेटा शेड किया जाएगा राइट right? तो यह जो मैंने कहाज राइट दिस इसको लिख दिया करो एग्जाम में एरिया शेडेड एरिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप बेषक लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन

ठीक है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगनल्स बेटा एक डायगनल ये देखो ये नाइन है आपके पास और जो दूसरा डायगनल है ये फोर है बिकॉज वही जो इसकी डायगनल की लेंथ है वही रेक्टेंगल की वेथ है राइट right? सो so आप क्या कह देंगे नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर क्लैरिटी इसमें कोई डाउट चलो बस सिंप्लीफाई कर लो नाइन टाइम इज थर्टी सिक्स माइनस हाफ इंटू इज थर्टी ठीक है बेटा तो तो ये तो आ गया आपके पास थर्टी सिक्स माइनस इसको सिंप्लीफाई कर लो टू टाइम वन इज टू और टू टाइम कितने थर्टी सिक्स होता है ठीक है थर्टी सिक्स माइनस एटीन और थर्टी सिक्स माइनस एटीन पीछे क्या बच गया एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा आपके पास आ गया एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर

ऑफ द ट्राइंगल राइट बेटा चलो ऊपर बेटा हमने फॉर्मूला लर्न किया है वट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज नॉट जिसकी हाइट नाइंटी डिग्रीज पे नहीं है या विच इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल हाँ जी क्या फॉर्मूला था बेटा एरिया का फॉर्मूला था हाफ ठीक है एन टू बी एन टू साइन ऑफ द इनक्लूडेड एंगल ठीक प्रोडक्ट ऑफ टू लेंस बट एंगल शुड बी द इंक्लूडेड एंगल राइट ठीक हो गया या यूं कहलो जो भी एंगल आप लें उसके साथ अटैच साइड होनी चाहिए तो यस वी हैव द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड हम इस पर बेटा ये अप्लाई कर सकते हैं हाफ तो बेटा सेवन मल्टीप्लाई बाई फाइव और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन फिफ्टी टू डिग्री ठीक है ये एंगल बेटा इंक्लूडेड एंगल है ये देखो बिटवीन दीस टू लेंथस ठीक है ये इंक्लूडेड एंगल है जो एंगल है ये जो अटैच साइड्स हैं इसके साथ ऑपोजिट लेंथ नहीं लेनी दैट वुड बी रॉन्ग अटैच साइड्स है उसके प्रोडक्ट के साथ साइन आता है साइन ऑफ दिस एंगल राइट बेटा चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हाफ सेवन थर्टी फाइव इन टू साइन फिफ्टी टू बेटा जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर पहले आपने प्लग इन करना है थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय साइन फिफ्टी टू ठीक है इसको पहले प्लग इन करना बेटा कैलकुलेटर में जो भी आंसर आए यू डिवाइडेड बाय टू राइट और देन यू राइट अप टू हमने आंसर्स देने होते थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा ठीक है एंगल के आंसर्स शुड बी गिवन टू वन डेसिमल प्लेस ऑल अदर आंसर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है अनलेस और अदरवाइज कोई और एक्यूरेसी उसने मैंशन हो क्वेश्चन में दैट इज फाइन अदरवाइज हम स्टैंडर्ड थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा आंसर्स देते हैं चलो क्या इसका आंसर आ गया दिस इज थर्टीन पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वायर राइट बेटा हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर वी ऑल्सो लर्न दैट ठीक है सो बेटा मल्टीप्लाई बाय डिग्री मोड में होना चाहिए कैलकुलेटर एक दफा चेक कर लो जो भी आंसर है इक्वल टू प्रेस करो एंड देन यू डिवाइडेड बाय टू क्योंकि टू कॉमन डिनोमिनेटर है राइट टू इज द कॉमन डिनोमिनेटर ठीक है ये होल कॉमन है ये पूरी इस टर्म का कॉमन डिनोमिनेटर है राइट ये बेटा इसका आंसर आ गया आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लेट से यू हैव दिस एक ट्राइंगल बेटा हम ले लेते हैं अगेन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ट्राइंगल्स की बेटा जो हमने ग्रेड सिक्स सेवन एट में ऑलरेडी वी हैव लर्न दोज प्रॉपर्टीज बेसिक नॉलेज बेटा जरूर हमने अप्लाई करना है ठीक अगेन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने फाइंड करना है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल चलो कैसे फाइंड करेंगे मुझे बताओ जरा इसमें आपको लेंथ तो गिवन ही नहीं है बिकॉज़ बिकॉज़ इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल तो हम हाफ बेस इन टू हाइट तो अप्लाई नहीं कर सकते सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज हाफ ए टू बी मल्टीपल ऑफ टू साइड और साइन ऑफ द इंक्लूड एंगल टू साइन थीटा हाफ ए बी साइन थीटा हम भी अप्लाई कर सकते हैं बट माई क्वेश्चन इज आपको टू साइड्स तो गिवन ही नहीं है चलो एंगल तो कोई ना कोई आप यूज कर लेंगे सो so, दूसरी साइड कहां से आएगी दट इज माई क्वेश्चन बेटा प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज एन आई सोसलिस ट्राइंगल दिस इज एन आई सोसलिस ट्राइंगल आई सोसिस ट्राइंगल क्या होती है जरा मुझे बताओ वट इज एन आई सोसिस ट्राइंगल आई सोसिस ट्राइंगल इज वन इन विच टू साइड आर इक्वल टू साइड आर इक्वल इन लेपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर यह इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल दूसरी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ये दीज टू एंगल्स वुड ऑल्सो बी इक्वल टू इच अदर क्लैरिटी ठीक है अगर यह साइड लेट से टू सेंटीमीटर्स है यह भी टू सेंटीमीटर्स हो जाएगी और लेट से दिस एंगल इज ट्वेंटी डिग्रीज तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा ट्वेंटी डिग्रीज आई सोसलिस्ट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बेटा लगानी और इक्विलेटल ट्राइंगल क्या होता है वॉट इज एन इक्विलेटल ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राएंगल तीनों एंगल्स को बेटा आप एड करो दे एडअप टू मेक वन एटी डिग्रीज राइट तो थ्री इक्वल पोर्शन में आपने डिवाइड करना है सो वन एटी ओवर थ्री कितना होता है सिक्सटी डिग्रीज तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट इक्वलिटल ट्राइंगल के

इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स दैट इक्वल टू इच अदर राइट तो इफ दिस इज 70 ये 70 है इनकी ऑपोजिट साइड्स दे शुड बी इक्वल दे आर इक्वल तो ये 5 है तो ये लेंथ भी क्या होगा 5 मीटर्स राइट right? अच्छा ओके okay. ये दो लेंथ आ गई नाउ वी नीड द इंक्लूडेड एंगल ये थीटा क्या होता है इंक्लूडेड एंगल बेटा मुझे बताओ इंक्लूडेड एंगल कहां से आएगा कैन एनीवन टेल मी हां जी वी डोंट हैव द इंक्लूडेड एंगल बिकॉज रूल तो हमने तो यही रीड किया है कि वट एवर टू लेंथ ट्राइंगल यू कैन टेक एनी टू साइड्स लेकिन आपने इंक्लूडेड एंगल लेना है राइट अटैच साइड होनी चाहिए उस एंगल के साथ सो so ये बेटा थीटा बन रहा है हाउ डी फाइन थीटा बेटा अभी हमने डिस्कस किया है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है वन एटी राइट सो ये सेवेंटी प्लस सेवनटी कितना बन गया ये हम यहां साइड पर लिख लेते हैं सो वट इज सेवनटी प्लस सेवनटी ये बेटा 140 बन गया ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है माइनस वन फोर्टी यूर लेफ्ट विदर्टी ये एंगल थीटा कितना होगा 40 डिग्रीज ये एंगल थीटा कितना होगा 40 डिग्रीज बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं भूलनी ट्राइंगल की देखो बेसिक प्रॉपर्टीज वही रहेंगी जो ऑलरेडी हमने ग्रेड सिक्स सेवन एट में लर्न की हुई है राइट right? सो so, ट्राइंगल के टू एंगल्स वर गिवन टू अस एड करो वन में से माइनस कर दो बेटा यू गॉट द ओनली एंगल लेफ्ट इन द ट्राइंगल ठीक हो गया चलो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हाफ ए बी साइन थीटा साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल चलो सो वट आर द टू अटैच साइड एंगल ये फाइव और फाइव चलो हाफ फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन ऑफ फोर्टी डिग्रीज बेटा ये है ना इंक्लूडेड एंगल फोर्टी ठीक हो गया इन दोनों साइड्स के साथ दिस इज द इंक्लूडेड एंगल फोर्टी चलो सो जस्ट पिकअप योर कैलकुलेटर हाफ फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव और साइन फोर्टी राइट तो बेटा कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई साइन फोर्टी जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय टू एंड गिव मी द आंसर ये बेटा आ गया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में एट पॉइंट जीरो थ्री मीटर स्क्वायर बिकॉज यूनिट इसके मीटर्स हैं राइट बेटा मीटर्स हैं तो ये बेटा आपका आंसर आ गया एट पॉइंट जीरो थ्री

So question number seven, right? So let's say you have a पैलोग्राम एक question जरा पैलोग्राम का भी अटेम्प्ट कर लें, बेटा आपकी एक अच्छी practice हो जाए right? Let's say this is a triangle. Uh, ये बेटा these two sides are parallel और ये दो sides parallel पैरल in a पारोग्राम This is six centimeters. और बेटा ये साइड आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स राइट ठीक हो गया 12 सेंटीमीटर्स और ये बेटा एंगल आपको मार्क किया हुआ उसने 72 डिग्रीज राइट ठीक हो गया एंड uh, इसको हम जरा शेड कर लेते हैं लेट्स से वी शेड दिस चलो सो बेटा द क्वेश्चन इज फाइंड द शेडेड एरिया मैं इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं आपको द क्वेश्चन इज इसको पहले लेबल कर लेते हैं दिस इज ए सॉरी दिस इज इसको रेस करते हैं सो so बेटा दिस इज ए बी राइट ठीक हो गया ए ई बी और बेटा उसने क्वेश्चन ये दिया है इज वन थर्ड ऑफ ए बी राइट ए इज वॉट वन थर्ड ऑफ ए बी क्लैरिटी बेटा फाइंड द एरिया शेडेड फाइंड द एरिया शेडेड यह भी क्वेश्चन पास पेपर्स में आया बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलो पहले बेटा आराम से एनालाइज करो वॉट इज द फिगर देर इज एब्सोलूटली नो हरी यू कैन टेक थर्टी सेकेंड इवन अप टू लाइक सिक्सटी सेकेंड्स एनालाइज करो बेटा आराम से ये थ्री फोर मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ठीक है लेट सी वट है जरा हम इसको एनालाइज करते हैं सो so, बेटा वी हैवे पैलोग्राम ठीक है पैलोग्राम और उसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ पैलोग्राम में से देन यू गेट द रिमेनिंग एरिया देन यू गेट द रिमेनिंग एरिया क्लैरिटी बेटा क्योंकि जो रिमेनिंग एरिया बन रहा है नो डाउट वो ट्रिपीजियम बन रहा है लेकिन हमारे पास उसकी लेंथस नहीं है हमारे पास उसकी हाइट नहीं है ठीक है सो आई थिंक इट वुड बी ईजियर फॉर आस अगर हम एरिया ऑफ पैलोग्राम अप्लाई करके और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं ठीक है अब देखो बेटा अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आप कितनी जल्दी पिक करते हो इंफॉर्मेशन को अब देखो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ए बेटा जो लेंथ है ए ई दिस इज वन थर्ड ऑफ ए बी अब ए बी जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है ट्वेल्व ऑलरेडी हमने पैलोग्राम के अंदर डिस्कशन किया है कि बेटा ऑपोजिट आर एंड इक्वल इन लेंथ भी होती इक्वल इन लेंथ भी होती है तो जो ए बी की लेंथ 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 है वही ऑपोजिट होगी होगी तो ए बी की राइट ये हम ए ई लेंथ की बात करें हाफ ऑफ ए बी बस ए बी की जगह आपने वैल्यू प्लग इन करनी है सो so, ये आपके पास क्या आ गया अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थ्री टाइम वन इज थ्री और थ्री टाइम फोर इज ट्वेल्व So, ये बेटा आपके पास एई e की लेंथ कितनी आ गई दैट इज फोर सेंटीमीटर्स राइट ए हम यहां लिख लें, ये हम येलो से लिख लेते हैं दैट इज फोर सेंटीमीटर्स क्लैरिटी बेटा ये आपके पास आ गई ठीक अब अगेन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ पैरलोग्राम के दो फॉर्मूलाज हैं बेटा फर्स्ट फार्मूला इज वॉट बेस इनटू हाइट बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला अगर आपको हाइट गिवन है पेंडिक्युलर डिस्टेंस परफेक्टली फाइन अगर हाइट नहीं गिवन तो बेटा हमने ऊपर एक फॉर्मूला यूज किया था वो जरा हम लिख लेते हैं वट इज एरिया ऑफ अ पैलोग्राम पैरालेलोग्राम दैट इज बेस इन टू हाइट राइट बेटा सो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बेस तो चलो हमें गिवन है बेस इज ट्वेल्व ठीक है बेस में तो हमें कोई डाउट नहीं है आपके पास बेटा हाइट क्या होगी वट इज योर हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हाइस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ठीक है बेटा ये इसकी हाइट होगी दिस द हाइट राइट सो ऊपर हमने बेटा डिस्कस किया था इन टू ए साइन थीटा राइट बेटा ठीक हो गया हाइट को हम क्या लिख देते हैं ए साइन थीटा और बेटा हमने पूरी ऊपर डिस्कशन की थी वेर ए इज योर हाई ठीक है हमने राइट एंगल ट्राइंगल का वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था टिग्नोमेटिक रेशियोज और हमने हाइट फाइंड कर ली थी सो ए इंटू साइन ऑफ दिस एंगल ठीक है हमें थीटा गिवन है 72 अगर किसी को कोई डाउट है बेटा दोबारा जाके जो ऊपर हमने फॉर्मूला में बेसिक डिस्कशन की थी गो एंड हैव अ लुक एट दैट ठीक है सो ए इंटू थीटा सो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ए इज वॉट ए आपके पास बेटा सिक्स है और साइन ऑफ दिस एंगल जो कि आपको सेवन टू 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 के बन बेस बेटा अभी हमने डिस्कस किया दैट इज ट्वेल्व ठीक है ये पूरे पैलोग्राम की बेस इज ट्वेल्व ठीक ये हमने अभी डिस्कस किए और ए आपके पास बेटा क्या है दैट इज सिक्स ठीक है सिक्स इंटू साइन ऑफ द एंगल विच इज सेवेंटी टू डिग्रीज ठीक है सो so ये बेटा आपके पास एरिया ऑफ पैलोग्राम आ गया चलो हम एरिया ऑफ पैलोग्राम फाइंड कर लेते हैं सो बेटा जस्ट पिकअप योर कैलकुलेटर जरा वैल्यूज प्लग इन करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है ये बेटा आ गया सिक्सटी एट पॉइंट फोर सेवन सिक्स वी द रीजन आई एम राइटिंग दिस टू थ्री डेसिमल प्लेसेस बेटा अभी हमने ये वैल्यू आगे यूज करनी इन द इन द फाइनल आंसर तो वहां पर हम राउंड ऑफ करेंगे एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए बेटा अगर इफ यू हैव टू यू नो राइट इन डेसिमल्स अगर आपके पास डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो ट्राई टू टेक थ्री डेसिमल प्लेसेस ठीक है बिकॉज एंड पे आप राउंड ऑफ करो तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी ठीक है नेवर एवर राउंड ऑफ इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन बेटा आपकी एक्यूरेसी फिर ना डिविएट कर जाती है वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती क्लैरिटी सो so ये बेटा आ गया एरिया ऑफ द पैलोग्राम चलो एरिया ऑफ द जल्दी से ट्राइंगल आप मुझे बता दो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा राइट right? हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल चलो क्या formula है हाफ ए बी साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल ए बी साइन थीटा वी नो अब हमने बड़ी डिस्कशन कर ली है चलो हाफ अब बेटा कौन सी दो लेंथ से ट्राइंगल की एक है बेटा हमारे पास सिक्स और दूसरी हमारे पास है फोर तो हाफ सिक्स इंटू फोर इंटू साइन सेवनटी टू सिक्स इंटू फोर इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दीज टू लेंस विच इज सेवेंटी टू डिग्री चलो बेटा क्या आंसर आ गया सिक्स फोर इज ट्वेंटी फोर इंटू साइन सेवन टू ठीक है और यह डिवाइड बाई टाइम लिखना भूलना डोंट मेक सिली मिस्टेक्स तो यह बेटा आपके पास क्या आ गया टू टाइम वन इज टू और टू टाइम ट्वेंटी फोर ठीक तो आपके पास आ गया टूवेल्व इंटू साइन सेवन टू राइट बेटा चलो जिस पिकअप यू कैलकुलेटर जरा मुझे इसका आंसर बता दो 12 साइंस सेवेंटी टू कितना इलेवन पॉइंट फोर वन थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या था एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑलरेडी बेटा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ एरिया ऑफ द पैलोग्राम विच वॉज सिक्सटी एट पॉइंट फोर सेवन सिक्स सिक्सटी एट पॉइंट फोर सेवन सिक्स माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 11.413 तो बेटा ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया इसको सब्ट्रैक करके ये बेटा आ गया 57.063 सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसको हम लिखेंगे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वील जस्ट टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन ठीक है थर्ड फिगर के आगे इफ इट्स ग्रेटर देन फाइव फाइव या फाइव से ग्रेटर प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा तो बेटा फाइनल आंसर आ गया 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेटा इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन ये जो हमने ऊपर बेटा फाइंड करना था सो इट वॉज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं एरिया ऑफ पैलोग्राम भी और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी राइट right? बेटा नॉर्मली आपको स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन भी आते हैं नो no डाउट लेकिन बेटा आपको कभी वो दो दो फिगर्स मिक्स करके एरिया uh, के क्वेश्चन देता है राइट सो आई थिंक आज हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बेटा प्रैक्टिस की है प्लीज़ एक दफा इसको अच्छी तरह रिवाइज करो फॉमुलाज शुड बी ऑन यू फिंगर टिप्स बेटा कोई कंफ्यूजन है कोई इंबिग्विटी है डू टेल मी इन द कॉमंस